अगर मैं कंक्लूड करूँ, हमने अपने बच्चों को डिसाइड किया कि हम टच स्कूल में भेजेंगे, उसके पीछे ये 5-6 रीजन थे। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नमस्ते एम्स्टरडम। मेरा नाम है निधि और मैं हूँ देवन। और जो लास्ट वीडियो मैंने शेयर किया था प्राइमरी स्कूल्स का नेदरलैंड्स में कैसे होते हैं और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, उस टॉपिक को डालने के बाद यूट्यूब पे मुझे लगा कि एक और मिसिंग इन्फॉर्मेशन है जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि हम लोगों ने स्कूल्स कैसे चूज किए थे नेदरलैंड्स में आने के। बड़ा खतरनाक डिसीजन है यार वो। सीरियसली वो टाइम याद करके थोड़ा सा मुझे मतलब आई फील अ बिट नर्वस कि उस टाइम हम लोगों ने द फेजेस दैट वी वर गोइंग थ्रू, द क्वेश्चंस वी हैड इन आवर माइंड, तो डिफिकल्ट था, बहुत मुश्किल भी थी हम लोगों को भी। हम लोग आए थे यहाँ पर 6 महीने के हिसाब से एक्सपैट कॉन्ट्रैक्ट पे, और उसके बाद जब पता चला कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुए जा रहा है, तब तक बच्चे के स्कूल का टाइम भी आ गया हमारा। तो हम लोग सोच रहे थे कि अब क्या करें, कैसे करें, तो इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स थे। हम लोग सोच रहे थे इंटरनेशनल स्कूल में डालें या डच स्कूल में डालें, कैसे डिसीजन लें और क्या क्या नहीं किया हमने। हाँ, आई थिंक उसमें एक चीज याद करने वाली बात है, हम भी भूल रहे हैं एक्चुअली, तो हम याद भी कर रहे हैं आपसे बात करते वक्त कि जब हमारी दो बेटियां दोनों यहाँ पैदा हुई थी, जो पहली वाली जब पैदा हुई थी वो अब 8.5 साल की है, जब पैदा हुई थी तो मेरे जितने और कुलीग्स थे, इंडियन कुलीग्स जो थे जिनके बच्चे और स्कूल्स में पढ़ते थे, मैंने उनसे पूछा भाई क्या करने की जरूरत है प्रोसेस में, तो उन्होंने बोला था कि सबसे पहले तो एक काम करो, इसको इंटरनेशनल स्कूल में रजिस्टर कर दो। उस टाइम रजिस्टर इंटरनेशनल स्कूल जो था, क्योंकि हम सेल्फिन रहते थे एम्स्टरडम वाले एरिया में, तो इंटरनेशनल स्कूल था AICS, उसमें मुझे याद है कि पहले हफ्ते के अंदर, उसके पैदा होने के एक हफ्ते के अंदर मैं जाकर के उसको रजिस्टर करके आ गया था, मतलब ऑनलाइन था, 200 यूरो की कुछ फीस थी, ताकि आपको जो है वो उसमें एक सिक्योर प्लेस मिल जाएगा, क्योंकि उसमें सुना था कि लंबी वेटिंग लिस्ट होती है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट था कहीं ना कहीं हमारे एक डिसीजन लेने के। हाँ, और लेकिन उससे भी पहले जो हमारे फ्रेंड्स थे ना, हमारे ग्रुप सर्कल था जो, उसमें काफी जिनके भी बच्चे थे वो इंटरनेशनल स्कूल्स में ही जाते थे, तो हम सोच रहे थे कि हमें भी बाय डिफॉल्ट वहीं भेजना है इंटरनेशनल स्कूल्स में। और उसके पीछे कई रीजंस भी थे, आई मीन मैं तो बहुत ज्यादा रिजिड थी कि मुझे इंटरनेशनल स्कूल में ही भेजना है, क्योंकि मैंने जो पढ़ाई कर रखी है, मेरे दिमाग में रहता था कि मैंने जो पढ़ाई कर रखी है मैं अपने बच्चे की हेल्प कर सकूं। डच उस टाइम आती नहीं थी, अभी भी फिर भी मैनेज हो जाता है, लेकिन पहले जो था मैं सोचती थी कि मेरे को अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ भी समझाना है अपने बच्चे को, तो मैं उसको इंग्लिश में समझा पाऊंगी। Correct. तो मेरे ये रीजंस हुआ करते थे उस टाइम पे कि मेरे को इसलिए इंटरनेशनल स्कूल चूज करना है। नहीं, उसके अलावा ये भी है ना कि वही जो द पॉइंट टू टच कि अपने आसपास आप देखते हो, सबसे पहले कोई भी डिसीजन लाइफ में लेना होता है तो सबसे पहले क्या करते हो आप, अपने आसपास देखते हो भैया और लोग क्या कर रहे हो। तो हमने जब वो देखा जो हमारे आसपास जितने भी फ्रेंड्स थे सबके बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में जा रहे थे, तो वो एक नेचुरल स्टेप लगा था हम लोगों को भी। और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो स्टार्टिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट था 6 महीने का, उसके बाद 1 साल का, कुछ गारंटी नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए अब मतलब। और फिर हम लोगों ने क्या किया था, मैंने तो इंटरनेशनल स्कूल जा के विजिट करने स्टार्ट भी कर दिए थे। इंटरनेशनल स्कूल्स हो गए और बाइलिंगुअल स्कूल्स हो गए, वो सारे के सारे हमने स्कूल्स जाके विजिट करने लग गए हम लोग। करेक्ट। एक्चुअली चक्कर ये भी था कि टू बी ऑनेस्ट कि उस टाइम टू स्टार्ट विद डच स्कूल्स हम एक्सप्लोर भी नहीं कर रहे थे एज एन ऑप्शन। क्यों नहीं कर रहे थे? बिकॉज आपके सामने दो ऑप्शन है, एक इंग्लिश मीडियम जिसमें आपके सारे फ्रेंड्स जो हैं वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसको आप समझते हो, जिसमें आपको लगता है कि एक क्लियर चॉइस है कि आप बच्चों को समझा पाओगे, सपोर्ट कर पाओगे थ्रू आउट देयर स्टडीज, और एक दूसरा सिस्टम है जो कि टोटल एलियन है, भाषा आपको आती नहीं है, और एट द सेम टाइम वो सिस्टम भी अलग है, सिस्टम भी अलग से बिहेव करता है और वो सिस्टम के बारे में आपको पता नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक फर्स्ट थॉट जो है बाय डिफॉल्ट हमने यही सोच रखा था कि बच्चे को हमें डच स्कूल ना भेज करके हम लोगों ने उसको इंटरनेशनल स्कूल ही भेजना है। और ये आई थिंक हमारी जो सोच थी वो थी तकरीबन बच्चे के 3.5 साल के होने तक। कैंडी जो है बड़ी वाली वो 3.5 साल की हो गई थी, 3.5 शायद उसके आसपास था ऑलमोस्ट, तो तब तक हमें तो ये लग रहा था कि यार इसका नंबर है, वहां से फोन आ गया था हमें AICS से कि नंबर इसका आ चुका है, आई थिंक 4th या 5वें नंबर पे थी क्योंकि 4 साल पहले हमने रजिस्टर कर दिया था। तो वो उन्होंने इनवाइट किया कि भैया हम तुम लोगों को इंट्रोडक्शंस के लिए आना है, वो जो न्यू हायर सुनो क्या कहते हैं स्कूल का जो राउंड वगैरह देते हैं यार, तो वो राउंड के लिए हम लोगों को बुलाया था हम लोगों ने। तो तब हमारे दिमाग में थोड़ा सा क्वेश्चंस आने शुरू हुए कि यार
ये सही तो है डिसीजन, ये है क्या करना है क्या नहीं करना. दैट वाज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली वी स्टार्टेड थिंकिंग विद अ बिग डिवाइड. मेरा तो मतलब ऐसा था कि देवन की और मेरी आर्गुमेंट ही करते रहते थे दिन रात कि क्या. मैं तो कहती थी मुझे तो इंग्लिश स्कूल नहीं भेजना है. मतलब ऐसा था कि बस मतलब लड़ाई हो जाती थी जबरदस्त वाली. लेकिन वन फाइन डे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि चलो जाके एक बार डच स्कूल भी देखाते हैं. और उसके बाद हमने डच स्कूल जो हमारे घर के आसपास है काफी सारे शॉर्टलिस्ट किए. और फिर हमने एक के बाद एक डच स्कूल्स भी जाकर, जब हमने डच स्कूल्स और इंटरनेशनल स्कूल्स विजिट किए तो लगभग 6-7 स्कूल हमने, हाँ बहुत सारे स्कूल्स जाकर विजिट किए. आई डोंट रिमेम्बर, दो देखे थे, तीन देखे थे इंटरनेशनल, और उसके अलावा जो डच स्कूल्स होते हैं हमने विजिट करे. तो विजिट जब हमने करा था तो उसके बाद हम लोगों का थोड़ा सा आई थिंक ओपिनियन थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ था, इन्फ्लुएंस होना शुरू हुआ था. तो आई थिंक तो ये वाला पॉइंट था जब हम लोगों में एक सीरियस डाउट आया, हम लोगों ने विजिट करने शुरू करे स्कूल्स. सबसे ज्यादा दिमाग पे मेरा तब ठनका था जब मैं एक स्कूल देखने गई. मैंने देखा कि यार ये स्कूल तो अंदर से बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है जैसे इंटरनेशनल स्कूल है. अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज. इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और अंदर जिस तरह से ऑर्गेनाइज थी चीजें यहाँ के डच स्कूल्स के अंदर, मैं तो हैरान हो गई. क्योंकि दिमाग में मेरा चल रहा था कुछ और कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन निकला कुछ और मैं एकदम से सोचने की अरे ये तो सब कुछ वैसा ही है जैसे इंटरनेशनल स्कूल में भी मैंने पिछले हफ्ते जाकर देखा है. तो आई थिंक कहीं ना कहीं परसेप्शन शायद हो रहा होगा, आई डोंट नो, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक, मे बी शायद हो रहा होगा कि डच स्कूल जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स है. तो कहीं ना कहीं हमें रहा होगा कि यार इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे होते हैं थोड़ा सा लूजली एडमिनिस्टर्ड. तो भाई होता है ना कि फोकस पॉइंट जब आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है, प्राइवेट आइडेंटिटी है, इंटरनेशनल स्कूल है, वो सोचने में लगता है बड़ा प्रोफेशनल होगा. तो वो एक कहीं ना कहीं एक वो होता है कि एनकाउंटर द रियलिटी, फेस द रियलिटी, वो सामने आया कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो कोई फर्क नहीं. और इट्स नॉट ओनली अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, आई थिंक इट्स वाज आल्सो अबाउट कि जो जो स्टाफ को फोकस था. जैसे हम लोग डच स्कूल गए थे, जिस स्कूल में कैंडी भी है उस स्कूल में गए थे, आई रिमेम्बर उन्होंने हमसे हमारी प्रेफरेंस भी पूछी थी कि आपको डच वाला जो इंट्रोडक्शन सेशन था कि डच वाला सेशन अटेंड करना है या फिर इंग्लिश वाला अटेंड करना है. तो हम लोग मतलब उस टाइम बड़े अंदर से एक्साइटेड हो गए थे कि यार ये लोग इतना ध्यान रख रहे हैं एक्सपैट कम्युनिटी का, इनको पता है कि कुछ लोग ऐसे होने वाले हैं जिनको शायद डच नहीं आती है, ये डच काम आती है. और हम लोग बात कर रहे हैं जैसे आज से 8-9 साल पहले की. मतलब जो डच स्कूल्स थे ना उसमें बहुत ज्यादा इंडियन लोग के बच्चे जाते भी नहीं थे. मतलब एटलीस्ट हमारे सर्कल में कोई नहीं जाता था. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा स्टेप था कि अगर डच स्कूल में अगर भेजना भी है बच्चे को तो हमें क्या क्या सोचना पड़ेगा. तो वो बड़ा कंफ्यूजन वाला माहौल जो है वो बन गया था. मतलब इस स्टेज पर हम आ गए तो उसके बाद कंफ्यूजन वाला माहौल था कि हमारे पास एक साइड तो अच्छा, और AICS से फोन आ रहे थे कि भैया तुम्हें अगर रजिस्टर करना है बच्चे को तो डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो 4 साल के करीब हो रही थी, 4 साल के शुरू होते ही बता बच्चा जो है वो स्कूल जाता है. तो उनका उनके फोन आ रहे थे कि भैया अगर तुम्हें भेजना है बच्चे को तो कन्फर्म करो, कन्फर्म करोगे तो वो जो पहले साल की फीस है वो भरनी होगी. आई थिंक उस टाइम 5-5.5 हज़ार कुछ होती थी. और अगर नहीं करना है तो टाइम से बताओ क्योंकि फिर हम उसे किसी और को ऑफर करेंगे. तो वो एक टाइम का एक प्रेशर था. तो हमने मतलब बहुत सोचा और ये पॉइंट्स दिमाग में आए हमारे 4-5. आई थिंक 4-5 ही थे अगर सोचे, मतलब बुलेट पॉइंट्स के पर्सपेक्टिव से मैं सोचूं तो आई थिंक सबसे बड़ा पॉइंट जो था हमारे लिए वो ये था कि बाय दैट टाइम वी वर, अगर हम सोच रहे थे कि हमें यहाँ रहना है कि नहीं रहना, उसमें ऑब्वियसली नोबडी नोज, बीइंग एन एक्सपर्ट तो पता नहीं है यार कब तक यहाँ पर रहने वाले हम लोग और कब वापस चले जाएंगे. लेकिन अगर हम दोनों की प्रोबेबिलिटी देख रहे थे कि हम यहाँ रुकेंगे या वापस जाएंगे, इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट आवर प्रेफरेंस, वो कहीं ना कहीं क्लियर था कि हम लोग तो रुकना चाहते थे. अब अगर वो फॉर वट एवर पर्सनल रीजन, लाइफ हमारी फैमिली के साथ या फिर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, कोई अगर रीजन होता कि वापस जाना पड़े वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हमारी प्रेफरेंस थी कि हम यहीं रुकेंगे. तो वो एक बड़ा मुद्दा था. तो हमें लगा यार यहाँ रुकना है तो उसके उस नजरिए से देखने पड़ेंगी चीजें. तो उस पर्सपेक्टिव से फिर हमें लगा डच स्कूल विल बी बेटर. और आई थिंक उसी पर्सपेक्टिव से जो थी वो एक कैंडी का भी अगर सोचे, अपने बच्चे का भी सोचे, तो वो क्या है 4 साल तक वो शुरू से छोटी थी जब से, क्योंकि निधि जॉब करती थी तो शुरू से ही जब वो छोटी थी तो उसको हम डे केयर भेजते थे. वो डे केयर तो डच होता है. तो जो उसको फर्स्ट हैबिट्स लगी सारे की सारी, जो उसका फर्स्ट लाइफस्टाइल था वो सारा डच लाइफस्टाइल था, है ना, कि वो उसको ब्रेड खाने में अच्छी लगती थी, वो डच बोलती थी फ्लुएंट, फर्स्ट लैंग्वेज जो थी उसकी वो डच थी एक्चुअली. मतलब इससे मुझे एक फनी किस्सा याद आता है कि
इसको डच इसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो जिसको जब इसको रात को सपने आते थे तो ये डच में ही बोलती थी, ऐसी ऐसी बात है, तो हमें समझ ही नहीं आता था कि क्या बात बोल रही है, बच्चे क्या बोल रहे हैं, वो तो छोड़ो सपने भी नहीं समझ में आ रहे तो हाँ आई थिंक वो एक लैंग्वेज था, एक दूसरा फैक्टर था हमारे लिए कि हम जब वहाँ इंटरनेशनल स्कूल विजिट कर रहे थे, वहाँ बैठे बैठे क्लासरूम के अंदर हमें प्रेजेंटेशन दे रहे थे ना, तो हमें उस टाइम ये रियलाइज हुआ था कि यार ये जो है शायद कहीं ना कहीं नेचुरल स्टेप नहीं होगा कैंडी की पर्सनालिटी के हिसाब से, क्योंकि उसको तरीका जो यहाँ वाला तरीका मतलब हर चीज को करने का तरीका अलग है ना इन लोगों का, तो हमें लगता था कि वो एक नेचुरल स्टेप नहीं होगा, तो वो एक अदर दूसरा फैक्टर हो गया था आई थिंक कहीं ना कहीं लैंग्वेज और जैसे हाँ कैंडी के पर्सपेक्टिव से और लैंग्वेज की बात करें तो जैसे मैं डच कंपनीज में जॉब करती रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मुझे लैंग्वेज आती होती तो पता नहीं और मजे आते, तो मैं चाहती थी कि मेरी जो बेटी है वो अगर स्कूल में जाए तो वो इस कंट्री के लिए एलियन ना बन जाए कि कोई उससे डच में बात कर रहा है और वो आंसर ना दे पाए, इट्स अ बिग थिंग अगर आप सारी जिंदगी यहाँ रहना चाहते हो और आपको लैंग्वेज नहीं आती तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात है। बट पता क्या वैसे मतलब बिल्कुल वैलिड पॉइंट है एक्चुअली जो पॉइंट है ना तुमने वो वैलिड पॉइंट है कि इट्स मोर अबाउट दिस इंटीग्रेशन पार्ट, इट डज नॉट स्टॉप एट द लैंग्वेज, लेकिन उसके कई सारे लेवल्स हैं कि आप छोटी छोटी चीजें यहाँ के फेस्टिवल्स जब हमने उनको डिसाइड वन स्टेप बैक हमने डिसाइड कर दिया बच्चों के लिए कि हम यहाँ रहने वाले हैं, तो हमें ऐसा लग रहा था कि यार दे मस्ट फील लाइक लोकल्स हियर और दे हैव अ राइट टू फील लाइक लोकल्स, तो उसमें हमें ये लगा था कि लैंग्वेज के साथ साथ जो यहाँ के लोकल फेस्टिवल्स हैं, फॉर एग्जांपल अब वो सेंट मार्टिन होता है हमारे यहाँ लोहड़ी होती है तो उसकी हम बचपन से गाने गाते हुए आए हैं, सबके अपने रीजनल त्यौहार होते हैं, हमारे पंजाब में लोहड़ी होती है, हर जगह उगादी होती है, उसमें भी शायद कोई गाने होते होंगे कर्नाटक में, लेकिन वो हमने गाने जो हैं वो हमने बचपन में सीखे थे, स्कूल में नहीं सीखते थे, वो पार्ट ऑफ द कल्चर होते हैं, तो हमें लगा यार ये लोग अगर ये चीज़ फील नहीं कर पाएंगे, अगेन मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी इंटरनेशनल स्कूल में भी सिखाते होंगे, बट हमने ऐसा सोचा था, और प्लस हमें ये लगता था कि इंडिया का कल्चर तो हम इनको बच्चों को अपने आप से करवा ही देंगे, हाँ। यहाँ पे क्या होता है इंडिया में जाकर इतने हमने इंडिया चक्कर लगा दिए कि बच्चों को पता चल गया है कि यहाँ ऐसे मंदिर होते हैं, ऐसे गुरुद्वारे होते हैं, ये फेस्टिवल्स होते हैं, प्लस यहाँ के अगर डच स्कूल में बच्चे जाने लगे तो उनको यहाँ की चीजें भी पता लगने लगी, तो थोड़ा सा इजी हो गया था। तीसरा पॉइंट ये भी है कि जैसे जहाँ हम अभी रहते हैं हमारे नेबरहुड में यूजली क्या होता है कि एक ही नेबरहुड के बच्चे एक ही स्कूल में जा रहे हैं, तो हमारे नेबरहुड में इसके साथ के बहुत सारे बच्चे हैं कि प्रैक्टिकल है ना, मतलब आके खेलना इकट्ठे, छुट्टियों में कई चीजें हम प्लान नहीं करते हैं, अगर भूल जाते हैं तो बच्चे आ जाते हैं, बेल बजाते हैं और आराम से कैजुअली ये लोग खेलने लग जाते हैं। एक्चुअली उससे मुझे याद आया कि जो 2 साल जेल बिताई है हमने कोरोना टाइम में घर पे, उसमें बड़ी हेल्प मिली थी इस बात में कि अचानक से घंटी बज जाती थी, उससे पहले तो हम स्कूल हम लोग ऑफिस जाते थे तो बच्चा जो है वो हाँ स्कूल ही है, जेल है तो उस टाइम तो इतना फील नहीं होता था कि आस पड़ोस में कौन है, हमारा इतना इको सिस्टम से कनेक्शन नहीं था, लेकिन 2 साल में हम घर पे बैठे हुए थे तो बच्चे जो है वो जब ओबियसली जब अलाउड था मिलना जुलना इतना बच्चों का आपस में, तो घंटी बज जाती थी अचानक से, हमें पता है कि घंटी बजी है, कौन आया, बच्चों के दोस्त आए होंगे, हम दरवाजा भी नहीं खोलने के लिए उठते थे, वो अपने आप चले जाते थे, तो पिछले 2-2.5 साल में तो ये वाला बेनिफिट हमने बहुत ज्यादा देखा है कि आधा टाइम हम लोगों को बच्चों का जो वीकेंड है ना वो ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ता या छुट्टियां ऑर्गेनाइज नहीं करनी पड़ती, पड़ोस पड़ोस में मतलब हमारी गली में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, इतने सारे बच्चे रहते हैं जो सेम स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चों के साथ साथ हमारा भी नेटवर्क बन गया है, हाँ। उनके पेरेंट्स भी आके हमसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो हाँ मतलब ये सारे बेनिफिट्स थे। करेक्ट, हाँ उसमें मतलब दोनों तरीके के पेरेंट्स अगर मैं देखूं, ऐसा नहीं कि सारे डच पेरेंट्स हैं, उसमें डच भी हैं और अदर एक्सपैट्स भी हैं, वी हैव यू नो पीपल फ्रॉम ऑल द नेशनलिटीज, हम सभी में यू नो दैट हाउ इंटरनेशनल इट इज, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट, हम लोगों ने शुरू में सोचा था कि भी प्ले डेट्स वगैरह ऑर्गेनाइज नहीं करनी पड़ेंगी और वो सच में निकला है वैसा, तो वी आर हैप्पी। इंटरनेशनल स्कूल में भी होता होगा बट अगेन हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि हम उस नेबरहुड में हैं तो ज्यादा ऑप्शन हो जाते हैं थोड़े से और हमें एफर्ट नहीं मारनी पड़ती, वो एफर्टलेस हो जाता है। तो आई थिंक अब तक हमने क्या 3 पॉइंट्स काउंटर कर लिए है ना, कि एक तो लैंग्वेज के लिए हमारे लिए नेचुरल सेकंड स्टेप था कैंडी के लिए, दूसरा था कि जो हम सोच रहे थे कि नेबरहुड के बच्चे प्ले डेट्स वो हो गया, और क्या फैक्ट पूछा था हमने भूल गया मैं, एनीवेज और जो पॉइंट्स थे हमारे जो हमने सोचे थे, एक था आई थिंक वो बहुत बड़ा कि प्रैक्टिकल पार्ट कि डेली बच्चे को स्कूल लेके जाना है, बच्चे को स्कूल से लेकर के आना है और वो करते रहना है अगले कम से कम 8 साल, जब तक बच्चा प्राइमरी स्कूल में बेसिक स्कूल में है वो करना है 8 साल तक, दोनों की फुल टाइम जॉब्स हैं, तो हमने देखा कि यार इंटरनेशनल स्कूल अगर भेजेंगे तो उसमें ये थोड़ा सा हम लोगों को परेशानी आएगी, बिकॉज थोड़ा सा परेशानी थी हमारे साथ मतलब हमारे स्केड्यूल में फिट होने में, हमें लग रहा था स्ट्रेस लेवल जो है हमारा ऑलरेडी थोड़ा हाई था वो और बढ़ जाएगा।
हाँ, कीपिंग इन माइंड हम मोस्ट ऑफ द जो एक्सपैट लोग हैं उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलती है, तो चीजों को प्रैक्टिकल करना बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर. जैसे कि यहाँ पर आप ग्रोसरी शॉप ढूंढते हो ना कि घर के पास हो, आप लोग ये भी ढूंढते हो कि हमारा डॉक्टर हो वो घर के पास हो. ऐसे स्कूल भी जितना पास हो, डे केयर भी जितना पास हो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है. हाँ, अगर अपनी बात, हम सिर्फ अपनी बात करूंगा, उस टाइम तो उस टाइम हमारे पास एक ही कार हुआ करती थी और निधि के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था. तो अगर मैं ऑफिस चला गया हूँ तो निधि बच्चे को कैसे छोड़ने जाएगी? अगर उसको जाना है तो जाएगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऑब्वियसली, लेकिन फिर वो अपने ऑफिस के लिए लेट होगी, फिर वापस आते वक्त फिर यही होगा. तो उस केस में मुझे दिख रहा था एटलीस्ट कि मैं ही फंसूंगा, कि मैं ही छोड़ के आऊंगा, मैं ही लेकर के आऊंगा. अब वो थोड़ा सा क्या है कि मोस्टली तो आप कर लेते हो, लेकिन कई बार ऑफिस में यार अटके पड़े हो, यार अटके पड़े हो, अटके पड़े हो, नहीं निकल सकते. तो वो दिख रहा था कि यार वो प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल होगा. और मतलब थोड़ा और डिटेल में जाएं तो हमने ये भी पॉइंट सोचा था कि जैसे हमारे पेरेंट्स आकर के रहते हैं यहाँ पे, समर वेकेशन में आते हैं, तो उनका भी मन करता है कि स्कूल से बच्चे को ले आए, वो कहते हैं कि आज तो मत जाओ हम ले आए. तो आई थिंक इंटरनेशनल स्कूल के केस में लोकेशन वाइज थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, तो मुझे नहीं लगता वो जा पाते. और एक और चीज़ मुझे याद आ गई लोकेशन से, कि हमने भी ये सोचा था कि अगर इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे को भेजते हैं तो हमारी जो थोड़ा सा घर की लोकेशन को लेकर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको उतनी उन्हीं जगहों पर रहना है जिससे आप जो वो है बिल्कुल एक्सेसिबल होना चाहिए. हाँ, जो स्कूल है वो एक्सेसिबल होना चाहिए बिल्कुल भाई. वो ना प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल हो जाओ तो ज्यादा बेटर होता है. हम हो गए थे, हमने सोचा कि ठीक है यार ये ट्राई कर लेते हैं, लेकिन हमने ये भी सोचा था कि जस्ट इन केस कुछ नहीं जमा. हाँ, तो हम लोग स्विच कर लेंगे. लेकिन फर्स्ट टू ईयर इतने अच्छे चले गए कि हमें लगा कि नहीं, लेट इट कंटिन्यू. और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फीस तो है ही नहीं. मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था, अपनी फीस तो इनकी यहाँ पे जीरो है और पढ़ाई का लेवल एब्सोल्युटली नाइस. तो हाँ, ये सारे रीजंस थे जिससे हमने डिसाइड किया. बट हाँ, लेकिन फाइनेंशियल पॉइंट को अगर देखें तो फाइनेंशियल पॉइंट ऐसा नहीं था कि वो फर्स्ट क्राइटेरिया था. आई डोंट थिंक इट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, बट इट वाज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट. अगर हम लिस्ट में देखें तो शायद सबसे नीचे आएगा, क्योंकि वही यहाँ हम इंडियंस हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि यार बच्चों को, बच्चों की पढ़ाई पे जितना खर्च कर रहा है, इन्वेस्टमेंट अच्छी से अच्छी जगह पे पढ़े, है ना. तो वो पॉइंट नहीं है कि आपको पैसे नहीं खर्च करने, बट पॉइंट ये था कि यार अगर आपको कंपेरेबल ऑप्शन मिल रहा है, और ऐसा ऑप्शन भाई सरकारी जो स्कूल जो है वो उनकी फीस वहां से आ कहां से ली है, मतलब दैट्स आल्सो पेड बाय अस, राइट, दैट्स सपोर्टेड बाय अस द टैक्स पेयर्स. और दूसरा ये कि अगर कोई और आपको डीमेरिट नहीं दिख रही है तो वाई नॉट गो फॉर दैट ऑप्शन. तो वो एक फायदा था. अगर मैं वही पैसा जो मैं बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में दूंगा हर साल, क्योंकि मेरा एम्प्लॉयर, मैं आईटी का नहीं हूँ, तो मेरा तो कोई एम्प्लॉयर भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा था, वो भी एक अलग मुद्दा हो जाता है, आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर रहा है कि नहीं. अगर मैं वही पैसे 5,000, 7,000, 8,000 यूरो साल के बचाते हुए दोनों बच्चों के लिए मैं 8-8 साल इन्वेस्टमेंट कर दूँ, तो दैट वुड बी अ गुड कॉर्पस फॉर देम, जिसको वो बाद में यूज कर सकते हैं अपने हायर एजुकेशन के लिए. प्लस ये चीज जो एक और इम्पोर्टेंट चीज अभी अभी दिमाग में आई है, कि अगर आप डच स्कूल में पढ़ाई करते हो ना, तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जो आप हमेशा परस्यू कर सकते हो आगे जाकर, जैसे कि लॉयर, डॉक्टर्स. अगर आप इंग्लिश स्पीकर हो तो आप ये वाले प्रोफेशंस परस्यू नहीं कर सकते फ्यूचर में. आई थिंक वो, हाँ, इंग्लिश स्पीकर वाली बात है. हाँ, वो हो सकता है, लेकिन उसमें ये मतलब नहीं कि आप इंटरनेशनल स्कूल में गए हो तो नहीं कर सकते. आई थिंक तब तो कर सकते हो, आपकी डच लैंग्वेज होनी चाहिए, लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा इजी हो जाता है फिर डच स्कूल वाले बच्चों के लिए. अब मुझे आई डोंट नो, मे बी लास्ट पॉइंट है, शायद एक पॉइंट और याद आ गया कि जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक तो स्कूल का करिकुलम हो गया, एकेडमिक हो गया, उसके अलावा यहाँ पर नेदरलैंड्स में एक्टिविटीज भी बहुत फोकस होता है. स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स में वो स्विमिंग हो गई, हॉकी हो गई, बास्केटबॉल, व्हाटएवर जो आपके बच्चे का इंटरेस्ट है, उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज होती है बच्चा जहाँ पर भी जाता है, तो वो जनरली एक्टिविटीज जो हैं वो एक्टिविटीज नॉर्मली डच में होती हैं. अब जैसे स्विमिंग क्लास में बच्ची जाती है तो वहाँ पर वो इंस्ट्रक्टर जो है वो सारी इंग्लिश में, सॉरी डच में सिखा रहे हैं. इंग्लिश भी होती हैं, इंग्लिश क्लासेस भी होती हैं, ऐसी बात नहीं होती, लेकिन ये ना कि अगर मान लो 10% कम हो जाता है कि भाई 10 क्लासेस हैं उसमें से 8 डच होंगी, 2 इंग्लिश होंगी, तो आपका, आपके चांसेस टू गेट इनटू दोस क्लासेस वो गिर जाएंगे, थोड़े से टाइम ज्यादा लगेगा. करेक्ट, ऐसा होता है. जैसे मेरे ऑफिस में क्या है कि अगर मुझे कोई कोर्स करना है अपनी जॉब से रिलेटेड, तो जब मैं उसको ऑनलाइन कोर्सेज देखती हूँ ना, तो सब जगह लिखा होता है ये कोर्स डच में है, ये कोर्स डच में है, मतलब 9 कोर्स आउट ऑफ 10 वो सारे के सारे डच में होते हैं. तो मेरे को जो कोर्स मिलता है इंग्लिश वाला, उसके लिए भी इतना लंबा वेट करना पड़ता है कि लगता है कि इससे अच्छा मैं वो कोर्स या तो इंडिया से ले लूं या कुछ, मतलब थोड़े से आ जाते हैं. हाँ, वो तो है, बिकॉज़ वो लोकल लैंग्वेज है ऑब्वियसली, मतलब वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगी.
तो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर मैं कंक्लूड करूँ, हमने अपने बच्चों को डिसाइड किया कि हम टेस्ट स्कूल में भेजेंगे, उसके पीछे ये 5-6 रीज़न थे, जिसमें सबसे बड़ा रीज़न तो प्रैक्टिकल पार्ट था। हम लोगों को ये क्लैरिटी थोड़ी थोड़ी दिख रही थी कि हम यहाँ रुकना चाहते हैं, मोस्ट लाइकली हमारा फ्यूचर यहाँ होने वाला है, बच्चों को होने वाला है, तो सोशल इंटरेक्शन बच्चों के लिए ईजी हो जाएगा, फाइनेंशियली मे बी वी कैन सेव अ बिट मोर फॉर देम फॉर द फ्यूचर, और लाइफ प्रैक्टिकली हमारी थोड़ी सी ईजी बीतेगी, जो कि बीत भी रही है अगर हम देखें अभी तो। Yeah, I think that was our way of looking at things, and that's how we decided. So far, ये अच्छा चल रहा है। आप लोगों ने कैसे decide किया? अगर कुछ questions हैं अभी दिमाग में, या फिर आपने decide किया लेकिन चीजें कुछ अलग तरीके से गई, please feel free to comment और आप हमें बताएं कि आपके experiences क्या हैं। मजा आएगा सुनने। Yeah, and do subscribe to our channel. Thank you so much. Talk to you. Bye bye.